बेचारा डुग्गू मेरा देखते रह गया। चलो बेटा घर रुक जाओ, थोड़ा सा इसको ही करने दो, शांत करने दो, गुस्सा हो गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ सभी को। और आज मैं वहाँ आने के बाद बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज मम्मी पापा आने वाले हैं हमसे मिलने, तो सोचे आज ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हम कर लिए हैं, अभी दोपहर के खाने का तैयारी करते हैं। तब तक पापा मम्मी के पास आएंगे और डुगू मेरा सो गया है, खाना वाना खा के निकलता है, तो आप लोगों को मिलाते हैं। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। और ये मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है, प्याज वगैरह अच्छे तरह से काट लिया, इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। तो आज बनाने वाले हैं मटन और चावल। तो चलिए पहले मटन बना लेते हैं। इधर मेरा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं, वो लोग अब जल्दी से बना लेते हैं। और इधर तब तक चाय भी बना लेते हैं, चाय चढ़ा दिए, चाय मेरा बनने भी लगा है, थोड़ी देर में बन जाएगा, फिर मम्मी पापा को दे देंगे। और ये मेरा चाय बन गया, चलिए अब उन लोगों को दे देते हैं। इधर मेरा सब्जी भी लगभग बन ही चुका है, इसको थोड़ा उबालते हैं, उसके बाद ये बन जाएगा। चलो कौन आया है, आ जा। पापा आए हैं, लोगों को पता चल गया। अंशु भी आई है। ए, तेरा घर में मनसा पूजा है ना, तो तू यहाँ कहे आगे में मेरा घर में मनसा पूजा नहीं है। ऐ डुगो, अंशु को छोड़ दो, चॉकलेट ले ले। वाह, अंशु मेरे लिए लाई है। दिखा। देखो डुगू पूरा खुश हो गया तुमको देख, पापा को देख। आजा, आजा, आजा। अंशु मेरा गुड गर्ल है। अरे अंशु आ गई है, दिखा अंशु। वाह, नया ड्रेस। इसको बाबा खरीद दिए थे। वाह अंशु, पायल भी पहने, छोटा वो छोटा वाला पहन लिए ना। ये जब अंशु बहुत छोटी थी ना, तब अंशु पहनी थी ना। ये वाली टोपी है, और इसमें देखो पांडा बना हुआ है, पांडा। और इसका टोपी भी है। अगर अगर बहुत बोर हो गया ना, तो ये वाला टोपी को ऐसे ऐसे करके खेल भी सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा भी। चलो चलो माँ से मिलो, चलो चलो डुबो ना। वाह अंशु, मेहंदी भी लगाई। वाह, कौन लगा दिया? खुद से लगा। हाँ झूठी, तभी तो इतना सुंदर है। वाह, हमको भी लगा देगी ना? इधर नहीं लगाई, एक ही हाथ में। कल बेचारी का फिर स्कूल भी तो है। मेरी मम तो खुद ही लगा के आती है। मेरी मम बोलती है कि बता मैं ना टेकू क्या। हाँ, अंशु का फर्स्ट राखी दिशु के साथ ना। एक चला खीट चटा देंगे। तो ब्लॉग बनेगा कि नहीं? रक्षाबंधन का ना। और आपको अंशु का राखी का ड्रेस भी दिखाएंगे। हाँ। है ना, देखो डुग्गू मेरा बैठ गया। अरे अंशु जा रही हूँ मोबाइल में, ये देखो मोबाइल फोन चला रही। काहे नहीं आ सकते, लाइन कट गया बेटा। आ गई अंशु। अंशु में भी क्या लाइन, थोड़ा नीचे आ। और ये अंशु बताएगी हमको कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये चॉकलेट हमको मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। ये है चॉकलेट, इतना छोटा सा, एक खाएंगे तो मन करेगा कि रुक के। आज अंशु लोग के घर में मनसा पूजा है, पिछले वीक हम लोग का घर में था, आज ये लोग के घर में है ना। और इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ आप लोग बताते हैं। बादाम है, किशमिश है, गेठिया है। गेठिया है, गेठिया ऐसे चूर चूर करके दिया हुआ है। अच्छा, फाड़ के देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। अंशु लगता है और भी खाई है क्या? एक भी खाए हैं। अच्छा लग रहा है, देख के ही तो बहुत टेस्टी लग रहा है। देखो, वाह, एक बाइट खा के देख। ऐसा है, टेस्टी है बड़ा। तुम खा के बताओ।
अभी मौसा जी भी आ रहे हैं, फिर जाएंगे तुम्हारे घर, फिर तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरी डर लगता है, इसको कुछ डर नहीं लगता, झूठ बोलती है। ये आराम से पूरा खाती है ना। और दीसू बाबा हम लोग के घर में है, खेल रहा है ना, वो अभी छोटा है, बड़ा हो गया तो वो भी आएगा। अब तो फोन खींच लो। अच्छा टुगो पकड़, खा। मम्मी चॉकलेट खा लेते हैं, अच्छा लग रहा। अब मम्मी खाना वगैरह खा ली है, पापा भी हम लोग के घर से खाना वाना खा के आए हैं। मम्मी अभी खा के आराम कर रही है और पापा के साथ अंशु भी आ गई है। और दिशु तभी बहुत छोटा है, मम्मी के बिना रहता नहीं है, तभी लोग रहेंगे थोड़ा सा, फिर शाम में लोग भी चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रही। डुगू बाबा अभी खा रहा है चॉकलेट। ये और ये डुगू भी मेरा खा रहा है। उतना देर सोया हुआ था, निकल ही नहीं रहा था, अभी पापा आए तब निकला ये लड़का। आजा आजा डुगू यहाँ। अंशु खा रही है बर्फ। हाँ बर्फ भी टेस्टी होता है बाबा। ए अंशु कितना मासू खाई? पांच गो। और भुंजा खाई कि नहीं? दस गो। देख डुगू आजा, आ यहाँ बैठ, बैठ जा, इधर घूम, इधर घूम, अच्छा बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ वैसे आगे छत पे, आज छत बहुत दिनों के बाद धूप निकला था, मतलब बारिश ही हो रहा था, बारिश ही हो रहा था। और हम लोग छत पे आ गए हैं, अंशु रेडी हो चुकी है, उसका थोड़ा फोटो वगैरह खींच देते हैं, वो बड़े वीडियो बनाएगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अंशु को, अंशु कैसी लग रही है। हमारे अंशु, अंशु एकदम पंजाबी लग रही। पंजाबी क्यों कह रहे हो? पंजाबी नहीं लग रही गाइस, बोलिए एकदम। आप लोग कमेंट करके बताइए अंशु कैसी लग रही है। और अगर मेरा ये लुक अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो अंशु एक डांस करके दिखाएगी, उतरो नीचे, उतर डांस ऐसे ही नाच के थोड़ा दिखा दो। थोड़ा चल के दिखा जा। वाह सूट तो बड़ा मस्त लग रहा है। चलो इधर आ। नहीं क्यों मैं रुद्र लगाया। चलो बंद हुई अखी आई के लाइब्रेरी तो। चलो खुद ही गेट खोल ले। चल दौड़ा देगा बेटा। अभी सोचे कि हम जाए लेकिन डुगु नहीं जाएगा। डुगु एकदम जाने के लिए जिद कर रहा है। डुगो तुमको नहीं जाना, चलो हट जाओ। बाय बाय बोल दो, बाय बोल दो अंशु, बाय बोलो माई को। हाय डुगु बेचारा से हमको लेके नहीं जा रहे हैं। जाएगा तुम बाद में, नहीं सकेगा बेटा, तुमको खींच के लेके चल जाएगा। ये देखिए जंगली से देखिए ऐसा कौन करता है।
ये डूबो और ये दोनों परेशान कर रहे हैं। बाय बोल दो, बाय बाय मम्मा। बाय बाय। बेचारा डुग्गू मेरा देखते रह गई। चलो बेटा घर चल। चल डुग्गू गुस्सा हो गया है। हम पकड़ेंगे, देंगे देंगे बेटा, रुक जा थोड़ा सा, इसको ही करने दो, शांत करने दे, गुस्सा हो गया है। चलो घर चलो, घर चलो डुग्गू मेरा। चल चलो 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 आजा, चल घर चलो। रात हो गया, पापा मम्मी चले गए और अंशु भी चली गई, उसके पापा आए थे लेने, तो पापा मम्मी आए थे तो बहुत अच्छा लगा। पापा मम्मी लोग भी घर में अकेले हो जाते थे, इसलिए कभी हम लोग चले जाते, कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी दीदी जाती है, कभी ज्योति चल जाती, कभी हम चले जाते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।